आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू हटाया जाएगा, केजरीवाल ने एलजी को भेजा प्रस्ताव। भाजपा में शामिल होने के बाद लखनऊ पहुंची अपर्णा यादव ने मुलायम सिंह यादव का से लिया आशीर्वाद। आईसीसी टी20 विश्व कप 2022 के शेड्यूल का हुआ ऐलान, भारत करेगा टूर्नामेंट की शुरुआत। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की पुतिन को कड़ी चेतावनी, कहा यूक्रेन पर हमला किया तो बर्बाद हो जाएगा रूस। महाराष्ट्र में सोमवार से फिर से खुलेंगे स्कूल, कोरोना वायरस के मामले हुए कम। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों। खबर हरिद्वार से है जहां आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। तो वही नामांकन की प्रक्रिया को लेकर जिलाधिकारी भी लगातार व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। बता दें कि जनपद की 11 विधानसभा सीट से प्रत्याशी के नामांकन रोशनबाद स्थित कलेक्ट्रेट में होंगे, जिसमें कोविड गाइडलाइन का विशेष ध्यान रखा जाएगा। प्रत्याशी के साथ दो उसमें अन्य सहयोगी एक साथ कलेक्ट्रेट के अंदर नामांकन के लिए प्रवेश कर पाएंगे। तो वहीं नामांकन की तारीख 21 जनवरी से 28 जनवरी तक निर्धारित की गई है। इसके साथ ही 29 जनवरी नामांकन वापस लेने की तिथि निर्धारित की गई है। खबर हरिद्वार के ज्वालापुर से है जहां सुरेश राठौर तो ज्वालापुर विधानसभा के प्रत्याशी बनाने पर कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब की बार हम अपनी ज्वालापुर सीट से सुरेश जी को भारी बहुमत से विजय प्राप्त करवाएंगे। सुरेश राठौर जी हमेशा जनता के बीच रहते हैं और सुख दुख में भी खड़े रहते हैं, इसलिए हम उनके साथ हैं। देखिए, आपको दिखाते हैं कि ज्वालापुर विधानसभा से एक बार विधायक रह चुके सुरेश राठौर दोबारा फिर टिकट प्राप्त कर दिल्ली से यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, जिनके स्वागत के लिए यहाँ पर भारी भीड़ इकट्ठा है विधानसभा पहुँचने वाले हैं। तो इस बारे में जाना, आप हमें बताइए कि आपको कितनी खुशी हो रही है? हमें कितनी खुशी हो रही है हम बता नहीं सकते, मतलब फिर भी आप तो आपके लिए हमारे लिए खड़े हुए हैं। बस ये है कि भाई जो क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी बात रखते हैं, लोगों का कार्य करते हैं, तो उनके लिए तो हम इसीलिए खड़े हैं। उसको कोई मतलब नहीं है, यहाँ तो बीजेपी शेर है, बीजेपी शेर रहेगी, बीजेपी ही शेर बनी रहेगी। क्या बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल 1000% बनेंगे। देखिए, यहाँ पर कार्यकर्ता का कहना है कि इस बार फिर सुरेश राठौर जी भारी जीत से बहुमत के साथ यहाँ पर विजय हासिल करेंगे। प्राइम टीवी चैनल से उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर आज से नामांकन शुरू होने जा रहा है, जिसे निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने जोनल सेक्टर अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी है। तो वहीं विकास नगर विधानसभा क्षेत्र से 3 जोन और 12 सेक्टर में बांटा गया है। जोनल और सेक्टर अधिकारियों ने अपना काम शुरू कर दिया है। उधर रिटर्निंग ऑफिसर SDM ने तहसील में बैरिकेडिंग कराने का खाका तैयार करने के साथ स्थलीय निरीक्षण की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चुनाव की जो अधिसूचना जो अभी घोषणा की गई है, तिथियों की जो घोषणा की गई है, उसके बाद से हमारी जो टीमें अलॉट की गई थी, यहाँ पे हमारा टोटल विकास नगर में 12 सेक्टर हैं और 3 जोन बनाए गए हैं, और उसी के साथ साथ हमें FST की 6 टीम मिली हुई है और VST की 3 टीमें मिली हुई हैं, और इसी तरीके से स्टैटिक टीमें हमारे 6 मिली हुई हैं। तो इन लोगों को अलग अलग ड्यूटियों को इनको प्लेस कर दिया गया है और इन टीमों के द्वारा मॉनिटरिंग भी की जा रही है, और उसके साथ साथ जो हमारी 24 घंटे 48 घंटे और 72 घंटे में जो रिपोर्टें जानी थी, ये जो पोस्टर बैनर लगाए गए थे लोगों के द्वारा या डिफेमेशन वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह का जो किया गया था, उसके संबंध में हमारी जो कार्रवाई की गई थी।
वहीं उत्तराखंड में बदले मौसम के बीच बारिश बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। इसके साथ ही प्रदेश शीतलहर की चपेट में है और बर्फीली हवाएं पहाड़ से लेकर मैदान तक कंपकंपी छुड़ा रही हैं। मौसम के बदलते मिजाज से तापमान ने की गोत लगाया है। मौसम विभाग ने के अनुसार अगले 3 दिन बारिश बर्फबारी का क्रम जारी रह सकता है। इस दौरान देहरादून समेत कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना है। खबर देहरादून से है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर टिहरी की 6 विधानसभाओं के लिए आगामी 21 तारीख को नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। सभी पार्टियों के उम्मीदवार सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक कलेक्ट्रेट भवन तथा तहसील टिहरी में अपना नामांकन कर सकते हैं। इसके लिए टिहरी प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। टिहरी में कलेक्ट्रेट भवन तथा तहसील टिहरी में 6 विधानसभाओं के लिए नामांकन कक्ष भी बनाए गए हैं। सभी प्रकार की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जितने भी नामांकन कक्ष हैं वो तैयार हो चुके हैं, जो नामांकन प्रपत्र हैं वो तैयार हो चुके हैं। कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कराने के लिए बैरिकेटिंग वगैरह लगा दी है। जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके साथ बैठक हुई, उसमें भी सभी को अवगत करा दिया गया कि एक नामांकन के समय एक उम्मीदवार अपने साथ अधिकतम 2 लोगों को लेकर आ सकता है। इसका मतलब यह है कि कुल 3 लोग ही नामांकन के दौरान उपस्थित रह सकते हैं। एक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सभी उम्मीदवारों के लिए मतदाता ऐप भी बनाया गया है, वो चाहे तो इस ऐप के माध्यम से अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली उन्हें फॉर्म जमा करने के लिए आना पड़ेगा। तो इस तरीके से कोरोना में संक्रमण को बचाव करने के लिए न केवल कर्मचारियों को बल्कि उम्मीदवारों की भी। खबर लालकुआ से है, जहां आचार संहिता के बाद से जिला प्रशासन द्वारा जगह जगह राजनीतिक पार्टियों के लगे होल्डिंग और वॉल पेंटिंग का कार्य किया जा रहा है। लालकुआ के राजीव नगर बंगाल कॉलोनी में सामुदायिक भवन की दीवार पर एक राजनीतिक पार्टी की वॉल पेंटिंग आचार संहिता के नियमों के उल्लंघन की धज्जियां उड़ा रही है। वही मामले की संज्ञान में आने के बाद उप जिलाधिकारी मनीष कुमार ने तत्काल संबंधित अधिकारी को निर्देशित करते हुए राजनीतिक पार्टी के वॉल पेंटिंग हटाए जाने के साथ ही कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के बाद सबसे पहले 3 प्रकार की कार्रवाई की जानी थी। जितने पब्लिक ऑफिस से उनसे 24 घंटे के अंदर प्रचार सामग्री हटाई जानी थी, 48 घंटे के अंदर जितने पब्लिक प्लेसेस हैं उनसे प्रचार सामग्री हटाई जानी थी, और 72 घंटे के बाद जितने निजी संपत्तियों पर लगे हैं पोस्टर और उस निजी संपत्ति के मालिक से उनकी सहमति नहीं प्राप्त की गई हो तो वो हटाए जाने थे। प्रथम चरण की ये 3 कार्य यहाँ पूरे कर लिए गए हैं। इसके बाद यदि किसी निजी संपत्ति पर, जैसा आप बता रहे हैं आपके हिसाब से ऐसा प्रतीत होता है कि ये निजी संपत्ति पर लगे हैं, यदि किसी की निजी संपत्ति पर नया कुछ प्रचार सामग्री लगाया गया है या लिखा गया है तो उसके संबंध में उसकी जांच करा ली जाएगी। इसको फ्लाइंग स्क्वाड टीम है हमारी, अलग अलग टीम है, उनको टीम को भेज करके, और सहमति नहीं होगी तो उसको उसमें। लश्कर पुलिस ने अवैध तमंचे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि चुनाव के मद्देनजर टीम बनाकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस द्वारा एक युवक इकराम को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया गया है, जो खंडजा कुतुबपुर गांव का रहने वाला है। घटना को लेकर SI मनोज सिरोला ने बताया कि अवैध तमंचे के साथ युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है और आगे की जाँच की जा रही है। ये विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र विशेष अभियान चलाया गया था। इसके तहत गठित टीम का नेतृत्व SI यशवीर नेगी द्वारा किया गया था। उन्होंने एक युवक इकराम, जो खड़ंजा कुतुपुर का है, इसके पास से 315 बोर का तमंचा बरामद किया है। वैसे आज हम जेल अब
आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ऋषिकेश में भाजपा ने 3 बार के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल पर फिर 4थी बार अपना दांव खेला है। प्रेमचंद के नाम की घोषणा होने के साथ ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। शहर में जगह जगह प्रेमचंद के समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। वहीं प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जिस उम्मीद के साथ भाजपा हाईकमान ने उन पर फिर से विश्वास जताया है, उस विश्वास पर वह सीट जीत कर खरा उतरेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि जिन्होंने 4थी बार मुझे ऋषिकेश से अपना प्रत्याशी घोषित किया। और निश्चित रूप से जब ये घोषणा हो रही थी तो हमारे राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी ने जो मेरे बारे में कहा कि हमारे अध्यक्ष विधानसभा रहे माननीय स्पीकर महोदय, और सरल और जो सज्जन प्रेमचंद अग्रवाल, उनको हम प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं, तो ये मेरी संपत्ति है, मेरी पूंजी है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से 5 साल इस दौरान मैंने बहुत विकास के कार्य किए, चाहे सड़क को लेके, बिजली को लेके, पानी को लेके, बाढ़ सुरक्षा को लेके, बाघ सुरक्षा को लेके, और किसी भी विभाग से कोई भी योजना मुझे अपने यहाँ लानी हो, चाहे ग्राम्य विकास से हो, MDDA से हो या अन्य कोई भी विभाग हो, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं का उत्साह है, अभी आप देख रहे हो कार्यकर्ताओं का उत्साह आपके सामने, जिस प्रकार से जगह जगह जश्न इस आज प्रत्याशी घोषणा के बाद लोग मना रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि हमारा जो नेटवर्क है भारतीय जनता पार्टी का, बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता आज सक्रिय है, काम कर रहा है। अनेकों हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो ग्राम प्रधान हों, क्षेत्र पंचायत सदस्य हों, पंचायत सदस्य हों, जिला पंचायत सदस्य हों, यहाँ पर हमारी मेयर हों, यानी कि तमाम जनप्रतिनिधि अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के हैं। ये विद्युत विभाग की है, पहले भी मैं इसकी पहले भी लिखित सूचना भी वो इसकी वो भी दे चुका हूँ और पहले अखबार में भी आ चुका है इसका, इससे पहले भी, लेकिन विभाग ने कुछ नहीं कहा रहा है इसमें। तो इतना खतरनाक है कि इसमें ब्लास्ट होते रहते हैं, इसमें स्पार्किंग होती रहती है, बहुत खतरे का है। हमें भी डर लगता है कई बार, हम यहाँ से ऐसी कहाँ से जान बचाएँ। और हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे 3-4 साल से लेके बड़े और बुजुर्ग सभी आते रहते हैं दुकान पर, अफरा तफरी, जिससे दुकान पर भी फर्क पड़ रहा है, कारोबार पर भी पड़ रहा है और जान माल का तो खतरा है ही। मैं आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया तो इसमें कार्रवाई की जाएगी जो भी, ताकि जबलपुर में जो ट्रांसफर गिरे ना और कोई दुर्घटना ना हो, तो इसलिए आवश्यक कार्रवाई कर दी जाएगी। मेरी जानकारी में आया है अजय सक्सेना बुक्स डिपो है, वहाँ पे जो है ये जर्जर हालत में है, ये किसी टाइम भी दुर्घटना घट सकती है, बच्चे भी स्कूल के आते हैं हमारे दुकान पर, और बहुत बड़ी लापरवाही है, घोर लापरवाही है इनकी, कर्मचारियों की, बिजली विभाग के अधिकारियों की, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। किसी भी टाइम कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है, वहाँ कई स्कूलों के बच्चे जो है कापियों किताबें लेने आते हैं। मैं इनसे अधिकारियों से निवेदन करूँगा, इस पर संज्ञान लें। रुड़की के मंगलौर विधानसभा में बसपा प्रत्याशी सरवत करीम अंसारी को हर क्षेत्र से जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। बता दें कि मंगलौर विधानसभा के बहुजन समाज पार्टी ने इस बार भी सरवत करीम अंसारी को अपना प्रत्याशी चुना है। इसके बाद से सरवत करीम अंसारी मंगलौर विधानसभा के हर क्षेत्र में जाकर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। इस दौरान उन्हें समाज का समर्थन मिल रहा है। सरवत करीम अंसारी ने बताया कि मेरे पिछले कार्यकाल के दौरान जो विकास कार्य मेरे द्वारा किए गए हैं, उसके बाद से अब तक क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं किया गया, और इस बार मंगलौर विधानसभा की जनता मुझे भारी मतों से जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेगी। की सीट रुड़की से निकालूं, मैं सभी कार्यकर्ताओं का, सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूं, और शीर्ष नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करता हूं, अपने संगठन का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं रुड़की से चुनाव लड़ूँ और ये सीट पर विजय हासिल करूँ, और सभी का साथ, सबका विकास, सबका प्रयास रहा इस टिकट में भी और जीत में भी रहेगा। तो एक बार पुनः सबका धन्यवाद करता हूँ। युद्ध एक चुनौती होती है, चुनौती की तरह हम इसको लेंगे और युद्ध को युद्ध की तरह लेंगे, और हम युद्ध के बिना पहले से ही और काम कर रहे हैं और आगे भी डटकर काम करेंगे, 24 घंटे काम करेंगे और हर कार्यकर्ता। खबर सुल्तानपुर पट्टी से है, जो आदर्श नगर में बिजली पोल जर्जर हालात में है, जो कभी भी किसी बड़े हादसे को दावत दे सकती है। आपको बता दें कि यह ट्रांसफार्मर भी इन पोल के सहारे खड़ा है, जो किसी भी वक्त गिर सकता है और बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन विभाग और नगर पंचायत अधिकारी इस पर आंख मूंदे बैठे हैं। तो यह रही उत्तराखंड की कुछ अहम खबरें, ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।